अगर किसी ने देश विरोधी काम किया है तो उम्र क्या मायने रखती है, 21 साल हो, 22 साल हो, 23 साल हो, अगर देश विरोधी कोई मैटर शेयर करता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी गिरफ्तारी पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है? धन्यवाद दीपक जी। देश की बात में, देश तो ये चाहता था कि बात कृषि कानून पर हो, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस के बड़े दामों ना, पर ना, हो, अलका, 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 बेरोजगारी भाषण पर नहीं, बात तो पूरी मैं करने सिंपल दीजिए। सी बात जानना चाहता हूँ, बात तो गिरफ्तारी का विरोध क्यों? आ रही हूँ देश की बात में। देश चाहता था इन मुद्दों पर बात हो, इन मुद्दों पर बात ना हो, इसलिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। नवदीप कौर, आप कह रहे कानून पुलिस अपना काम करे, कानून पुलिस सरकार अपना काम नहीं कर रही। ये नवदीप के मामले में हमने देखा, अवैध गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट ने हरियाणा भाजपा सरकार को पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, उसे जमानत दी है। पुलिस दबाव में काम कर रही है, निष्पक्ष नहीं है। 21 साल की ये लड़की हमारी जो है, क्या नाम है, दिशा रवि, इतनी खतरनाक हो गई तो मुझे लगता है राफेल खरीदने की बजाय एक टूल किट अपने भाजपा के ट्रोल आर्मी से बनवा दे ताकि पाकिस्तान और चीन बर्बाद कर सके। अगर इतनी टूल किट, और टूल किट में पहली बार बताऊं, हम भारत में पहली बार सुन रहे हैं दीपक जी, लेकिन ब्लैक लाइफ मैटर अमेरिका में आंदोलन था तो ये ब्लैक ये जो टूल किट है ना, तब बनी थी। भारत के बहुत लोग उस टूल किट के माध्यम से ये जो अन्याय हो रहा था, ब्लैक लाइफ मैटर का हिस्सा बने थे, आवाज उठाई। अलका, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, उसी का कट पेस्ट है ये। उसी का कट पेस्ट है ये, ब्लैक लाइफ मैटर्स का ही कट पेस्ट है। तो वो आंदोलन की चिंगारी यहाँ पर आए और दिशा रवि नाम की लड़की उसको सपोर्ट करे, क्या आप इसका समर्थन करती हैं? अभी मैं तो कहूँ के मामले में बेनकाब हुए ना, सरकार कोई नोटिस आ गया उसको बता रहे थे। इस केस में भी जो वकील मिलना चाहिए था, माँ के सामने, उस माँ के सामने अपराधियों की तरह इस 21 साल बच्ची को गिरफ्तार किया गया, जिस माँ ने भाजपा को वोट दिया है, वो खुद अपनी दिशा रवि अपनी बात में कह रही है किसी वीडियो में, जिसके माता पिता ने भाजपा को वोट दिया, पर वो भाजपा की सरकार पे, उससे क्या फर्क पड़ता है किसको वोट दिया है? फर्क पड़ता है, जिन जिन ने वोट दिया है, आज वो समझ रहे हैं कि वोट गया कहां पर, वो किस दिशा में, षड्यंत्र रचने 11 बैठक की सरकार की किसानों के साथ फेल हो गई। कृषि कानून तालेबंदी में चोर दरवाजे से लाया गया, कोर्ट ने रोक लगा दी, अब कुछ नहीं समझ आ रहा, तो षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है। इस तरह गिरफ्तारियां करके लोगों को डरा धमका कर आप सोचेंगे कि आप आवाजें बंद कर लेंगे? लोकतंत्र के तहत जो संविधान में दी है, ये इनकी गलतफहमी है।